आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देवरिया से बड़ी खबर, जहां कोरोना को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। उत्तरी रोड पर पुलिस ने चेकिंग की है। तो देवरिया में कोरोना के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जिले में सघन चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया है, जहां पर पुलिस वालों के साथ आपको जवान भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर उत्तरी रोड पर पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया है। लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में अब देवरिया में पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आता दिखाई दे रहा है, जहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर पुलिस वालों के साथ आज जवान भी मौजूद रहे। और इसी बीच सपा सुप्रीमो पर बरसे हैं डिप्टी सीएम, सत्ता के लालच में डूबे हैं अखिलेश यादव, ऐसा बयान केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं अखिलेश यादव। वहीं सपा में इस वक्त गुंडे शामिल हो रहे हैं। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बहुत जुबरी तरह से बरसे हैं, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता के लालच में इस वक्त अखिलेश यादव डूबे हुए हैं, लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं अब सपा में गुंडे और माफिया जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो भाजपा की तरफ से सपा सुप्रीमो पर एक बड़ा हमला बोला गया है। आपको बता दें कि आज ही भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। और इसी बीच कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता का ट्वीट सामने आया है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर नंदी का ट्वीट जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा ये आज कृत्य हुआ है, राजनीतिक आत्महत्या जैसा निर्णय ये साबित होने वाला है। अवसरवादियों परिवारवादियों के लिए सपा ही ठिकाना है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का ट्वीट जो है वो अब वायरल हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब नंदी की प्रतिक्रिया जो है वो ट्विटर पर सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा आज ये काम जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, राजनीतिक आत्महत्या जैसा ये निर्णय आगे आने वाले समय में साबित होने वाला है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।